कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और जीएसटी को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। चुरू जिला मुख्यालय पर पीएम मोदी का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, जहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। तो वहीं बूंदी में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारियां दी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशल चुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, आज देश भर में कांग्रेस का महंगाई, जीएसटी और एजेंसियों के खिलाफ दुरुपयोग के लिए हल्ला बोल है कांग्रेस का केंद्र सरकार पर। प्रदेश भर में भी इसको लेकर हल्ला बोल किया जा रहा है, अलग अलग जिलों में भी हो रहा है। चुरू के क्या हालात रहे हैं आज? जी वानो, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो आज का जो प्रदर्शन देखने को मिला है जिला मुख्यालय पर, शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है इसको, उग्र प्रदर्शन हो गया। ये शुरुआत में पहले इन्होंने पुतला जलाया था महंगाई, जीएसटी और ईडी के ग्रुप को लेकर। उसके बाद में ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कलेक्ट्रेट में घुसने की जिद करने लगे। वहां पर बहुत जो पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता है वो दोनों आमने सामने हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है इसको। शानदार प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस का, उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी है। जी, कौन कौन से बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल रहे और क्या विरोध किस तरह का देखने को मिला? इसमें बानो, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जिले के जो दिग्गज नेता हैं, वो इसमें शामिल रहे। इसीलिए ये उग्र भी आंदोलन इसीलिए हुआ कि जो इनकलाबी जो कांग्रेसी थे वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए और लामबंद हुए उनके पीछे उनके कार्यकर्ता। और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला कि वाकई में जनता के लिए जो पीड़ाएं जो यहाँ उठाई गई है कांग्रेस के द्वारा, कहीं ना कहीं दुख दर्द बांटने के प्रयास किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा आम जनता को जोड़ने के लिए। यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने यहाँ जो है वो भी भर के यहाँ पर जेल में इनको गिरफ्तार किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कौशल।